तो इसका अंडा ये भी खराब है। ये देखो पूरा येलो अंडा दिख रहा है। ओ भैंस की दांत भाई, अंडे के चक्कर में मेरी चिड़िया खुल जाएगी जल्दी। तो यार मैंने देखो ये दो पेयर अलग करे थे सेपरेट, कि यहाँ पे ये लोग अच्छे से ब्रीड भी करेंगे और सही भी रहेंगे, क्योंकि ये बहुत लड़ाई करते थे। तो अब ये मेरे को बताना है कि एक पेयर मेल फीमेल ही है या मैं दोनों मेल ही हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ से लेके आया था ना तो उसने मेरे को ये वाइट वाला फीमेल कह के दिया था, और ये ज़ेब्रा फिंच का तो मेल है ही है तो मेरे को पता है। बाकी आप लोग हमको फीमेल का बताओ कि फीमेल वाइट वाला फीमेल ही है या मेल है, क्योंकि मेरे को तो दोनों की सेम ही चोच लग रही है। आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग सब कुछ बता देते हो यार, आप लोग बहुत अच्छे हो। ध्यान से आप देख लो, क्योंकि मेरे को ना चोंच में इनका तो ज़रा फ़र्क लग नहीं रहा, क्योंकि बोलते हैं कि ऑरेंज चोंच वाली फीमेल होती है और रेड चोंच वाले होते हैं अपना मेल, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को अभी देखो फिलहाल दोनों का सेम लग रहा है फ्लैश चला के। अरे इतना अभी तो सही था, एक सेकेंड देखो ध्यान से दोबारा से। तो हेलो जी, कैसा आप सब, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि यार को समझ नहीं आ रहा क्या डालू, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि इसके अंडे फर्टाइल हैं या इनफर्टाइल है, ठीक है, वो चेक करते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे डेजी बैठी है आराम से मेरी बातें सुन रहे हैं, ब्लॉग कर रहा हूँ। हेलो डेजी, हेलो हेलो। और मैंने यहाँ पे भी इनके अंडे बाहर निकाल दिए, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते निकालना बहुत मुश्किल होता है भाई, उस दिन आपको देख ही लिया होगा ब्लॉग में। तो ये रहे इनके अंडे, और यहाँ पे टार्च जला रखी है हमने टार्च को, इसमें अभी चेक करते हैं अंडे फर्टाइल है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक पैर अलग ही भी कर रखा है, वो एक पैर मैंने इसलिए अलग करा ताकि वो लोग ढंग से रहे। इसके अंदर ना सारे लड़ते रहते थे, तीन पैर हो गए तो बहुत लड़ते थे लोग, ना एक को ढंग से ब्रीड करने देते थे ना रहने देते थे, ठीक है, एक दूसरे की मटकी में लाके अभी किसी अंडे फोड़ दें या लड़ते रहे, बहुत दिमाग खराब कर रखा है। इसे अलग कर दिया उनको मैंने, अभी उनका भी हाल दिखाऊंगा क्या है मस्त। अरे वो एकदम बढ़िया चल रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही, सब मस्त है एकदम। बाकी आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोलता नहीं, आप लोग को पता है यार, कर दिया करो। चलो अब मैं इसके ऊपर अंडे रखता हूँ टॉर्च के ऊपर, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो मैंने इस पर पहला अंडा रखा है अभी, ये देखो पहला अंडा रखते ही ये अंडा हो गया येलो, ये आप लोग को रंग से दिख रहा होगा। अब ऐसे मैं दिखाता हूँ अपना फ्लैश लाइट ऑन करके, वाइट आपको लोग को इसमें थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा येलो हो चुका है अंडा, इसका मतलब ये है इनफर्टाइल, इसमें बच्चा नहीं है, ये ख़राब है अंडा। जिसमें बच्चा होता है ना वो पूरा का पूरा येलो अंडा होता है, वो अलग से चमक जाता है, येलो नहीं सॉरी कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो पूरा रेड होता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चा होता है पूरा रेड होता है, और जिसमें नहीं होता वो येलो रह जाता है वो अंडा। अभी ये खाली ख़राब हो चुके हैं, ये पहला अंडा इसको हटा के रख देते हैं, मैं दूसरा लेके निकालता हूँ, ये रहा दूसरे को इसके ऊपर रखते हैं। ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा कहीं से, दूसरा रखा है इसके ऊपर, ये भी येलो हो गया था, दिख रहा है ना पूरा येलो हो पड़ा, तो इसका अंडा ये भी खराब है। ये देखो पूरा येलो अंडा दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं, पूरा खराब अंडा हुआ पड़ा है, जिसके अंदर बच्चा होता है वो रेड होता है, आपको पहले ही बताया, आप लोग चेक कर लिया करो, क्योंकि इनका कुछ नहीं, ये तो बैठे रहेंगे अपने अंडे पर, इनको लगता है बच्चा है, लेकिन इनको नहीं पता चलता। आप लोग को मतलब जब अंडा होता है उसके 10 दिन बाद चेक करना होता है, ठीक है ना, आप लोग चेक करते रहना, 10 दिन बाद चेक करना, अगर उससे पहले करोगे तो परेशान हो जाएंगे, खुद ही अंडे फोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, दूसरा अंडा ले जाते हैं, ये रहा एक और, ये मैंने रख दिया, ये देखो ये अंडा भी येलो हो गया पूरा, इसका मतलब ये अंडा भी ख़राब है, अगर सही होता है ना तो ये रेड हो जाता। तो यार आप लोग चेक करते रहा करो, क्योंकि 10 दिन बाद चेक करना होता है, अगर ये लोग तो ऐसे बैठे रहेंगे महीना दो महीना, इनको अगर पता नहीं चलता ना इनके सही है ख़राब है, 10 दिन बाद आपको चेक कर लेना, जैसे मैंने अभी करा, अगर आपके पास फिंचेस हैं तो, ठीक है। अब मैंने हटा दिया तो ये 10-15 दिन बाद दोबारा से अंडे दे देंगे, उसका इनका कोई टेंशन नहीं है, ये दोबारा ब्रीड कर लेंगे, दोबारा आ देंगे, क्योंकि होता है पहले पहले बार अगर लोग अंडे देते हैं तो खराब निकल जाते हैं, इसी को टेंशन नहीं है, 10-15 दिन बाद फिर से
क्या पता उस टाइम सही बने, है ना। बाकी इसको देखो भाई, ये सुनते सुनी जा रही है, अरे क्या बोली जा रहा है ये। खाना पीना सब मिल गया तो चलो ऊपर आराम से घूम फिर के आओ यार, यहाँ कहाँ बैठो नीचे, हैं जाओ ऊपर। क्या हुआ, ऐसी सो जाइए भाप। तो यार अब देखो, अब मैं इधर अंडों का क्या करूँगा आप लोग को दिखाता हूँ। इनका ऑमलेट तो बनेगा नहीं कि ये बहुत बड़े बड़े हैं, इसका ऑमलेट मैं खा लूँगा। तो अब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे। तो आप लोग ये देखो, ये दो कौवे बैठे हैं, अब यहाँ पे रखूँगा, देखते हैं आते हैं इसको लेने के लिए कि नहीं आते, क्योंकि काम के नहीं है, अब इनको फेंकना ही पड़ेगा, इससे जाके आप वो खा भी लेंगे अपना। यहाँ पहले से कबूतर पार्टी चल रही है, देरी उधर आओ, ये भी जाकर उड़ा देगी सबको, बहुत गंदी है भाई, इनको खाने नहीं देती। बस उड़ना उड़ना तो है ही, मैं अंडे रखने जाऊंगा तो देखो फावास उड़ो मत। मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये दीवार रखूँगा ठीक है ना। यार एक तो इनको अंडों को ना बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, अगर ये हाथ से गिरे हम लोग तेज़ी से रख दिए तो भी टूट जाते हैं। आराम से एक अंडा यहाँ रखते हैं, एक अंडा यहाँ रखते हैं, तो कौवे ने देख लिया, और एक अंडा रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तीन अंडे रख दिए मैंने इधर, एक अंडा अलग रखते हैं भाई, एक अंडा थोड़ा और दूर रखते हैं। यहाँ ना गिलहरी आ रही है, वैसी कहीं गिरा ही दे, मेरे को लग रहा है गिरने जाएंगे, कहीं ओढ़ के आए और ही गिर जा। अभी देखो ये रहे तीनों के तीनों अंडे, एक दो तीन, तो देखते हैं। और वो दो कौवे, चलो कोई बात नहीं, उनका ही पेट भर जाएगा, कुछ ना कुछ तो खा लेंगे। बैठ जा, गुड गर्ल। वो अभी तक कोई आया नहीं, उधर आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैं तब से छत पे हूँ, मैं वेट कर रहा था कि कोई कौवा आए अंडा खाए तो मैं दिखाऊँ आपको कि वो कैसा उठाएगा इसको, नहीं उठाएगा, या और कोई कबूतर या और कोई बर्ड आएगा उसका कैसा रिएक्शन होगा। बट कोई भी नहीं आया यार, इधर हो गए खड़े खड़े, कोई आ ही नहीं रहा। तो यार ऐसे ही सीन है, अभी रात भी हो गए ना, सब ना खा पी के बैठे हैं सोने के लिए, सब नींद में होंगे अपना। यार मैं कुछ याद आ रहा, वो भैंस की टांग वही अंडे के चक्कर में मेरी चिड़िया खुल जाएगी जल्दी भाग नीचे। भाई मैं ऊपर अंडे के चक्कर में छत पर बैठा हुआ था, बट मेरे को एकदम से याद आया कि मैं अंडे ऊपर लेके गया था तो मैं इनका पिंजरा ही बंद नहीं कर रहा था। बट फिर भाग तो भाग पाया हूँ, बट फिर भी चलो सब सही है, कोई कहीं नहीं गई। भाई दरवाज़ा खुला रह गया था मेरे से, मैं भूल ही गया था, और दरवाजा ही ऐसे 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 पड़ा हुआ था भाई, वर्ल्ड बच गए भाई। छोटा भाई आके भी गालियाँ सुना था फिर मेरे को, चिड़िया उड़ा दी सारी, बच गए। अभी सीन खत्म हो जाता, इनको उड़ाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम बाद, पहले इनसे एक दो बार बिजली ले लेते हैं फिर उड़ाएंगे सबको इकट्ठे उड़ाएंगे, कम से कम 15-20 चिड़िया, ठीक है ना। जब 15-20 चिड़िया इकट्ठे उड़ाएंगे ना, वाया अलग सीन लगाएगा, इसलिए मैं सोच रहा पहले थोड़ी बिजली ले लेते हैं। जब 15-20 आराम से हमारे चिड़िया इकट्ठी हो जाएंगे सारी, अभी तो ये कितने 6 हैं, 6 से जब 15-20 फिर इकट्ठे जाके उड़ाएंगे, ठीक है ना। वो भी इतनी जल्दी व्लॉग आएगा चैनल पर।